इस वक्त हैदराबाद के शहर अंबरपेट के इलाके में हूँ, यहाँ पर प्रेम नगर में। इस वक्त 3 दिन से मुसलसिल माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट रामनगर डिवीजन मशीराबाद के वाहिद अली साहब ने मुझे 3 दिन से फ़ोन किया है, मगर रघु साहब के बारे में जिक्र किया था। रघु साहब को खाने को खाना नहीं है, किराया भरना मुश्किल है और बहुत परेशान है रघु साहब। तो हमारे वाहिद अली साहब चैनल के डायरेक्टर भी हैं और उन्हें सुन के 3 दिन से मुसलसिल फ़ोन करे हैं और उनको दिखाने का इमीडिएट अमरपेट को आए मशीराबाद से और रघु साहब की मदद करे हैं। और मैं इस सिलसिले में बताया कि हमारे रघु साहब को पेंशन भी नहीं है। वाहिद अली साहब ने अपने तौर पर यह कहा कि मैं इंशाल्लाह एमएलए साहब को बोलकर मैं पेंशन की कार्रवाई भी कराऊंगा। और वाहिद अली साहब ने कहा कि आवाम को कि रघु साहब की मदद करना चाहिए और मैं सीधा ले चलता हूँ वाहिद अली साहब के पास। वाहिद अली साहब अपने कीमती वक्त निकाल के 2 लफ्ज़ बोलेंगे। रघु साहब माजूर है, इनकी मदद करना हर किसी का फर्ज है। मेरे को मालूम हो अमरपेट में रघु साहब जो है सो फायद से माजूर है, चल नहीं सकते। एक कमरे में किराए से है, वो एक ही कमरे में पकाना है, सोना बैठना उठना एक ही कमरे में है। वो कैसा किराया बन ले रहे, कैसा खा रहे, अल्लाह को मालूम है। उनकी बीवी छुटमुट कुछ घरों में ऐसे काम कर ले रही, गुजार ले रही जिंदगी। ऐसा किसी को, ऐसे जनों को सपोर्ट करो जिसको पैर हाथ नहीं है। आपको बहुत दुआएं मिलेंगे और नेकी मिलेगा इसका। मैं रघु साहब को इंशाल्लाह ताला और पेंशन की कार्रवाई क्या है वो भी करूँगा इंशाल्लाह। हम सबका फर्ज ये है कि इंशाल्लाह रघु साहब की पेंशन का कार्रवाई करेंगे। अब मैं ले चलता हूँ सीधा रघु साहब के पास। रघु साहब क्या मैसेज देंगे? रघु साहब बोलिए आपको। क्या जी एक साल से पेंशन मिल रहा है जी? पूरे लोग मेरा वीडियो देख के आप आप तमाम हजरा से गुजारिश करता हूँ कि रघु साहब की, हम सब की जिम्मेदारी ये है कि रघु साहब की मदद करना चाहिए। इंशाल्लाह पेंशन की भी कार्रवाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।